और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं चित्रकूट, आपको लिए चलते हैं जहाँ पर अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मंदिर में वहाँ उसे आशीर्वाद दिया, उसे मेरे समस्याएं भी भरोसा दिला के आया हूँ, आपको भी भरोसा तक काम नहीं खत्म होगा। लक्ष्मण पहाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचे, जो लक्ष्मण भगवान राम सीता और हमारे तमाम चीजों का जो जुड़ाव है समाज में, उसको और कैसे सुंदर बनाया जाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। सरकार बनने पर ऐसा आशीर्वाद हमें मिला है कि सरकार बनेगी तो आपका सबका साथ। और मुझे सबसे अच्छा सर लगा आए कि जो भगवान राम वही भगवान श्री कृष्ण राधा उस पर सीता राम राम सीता लिखा हुआ है, शायद होगा जो बात मैं कहता आया वो मैंने दीवार पे पढ़ लिया, वो भी चित्रकूट में पढ़ लिया, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मैंने तय कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लक्ष्मण पहाड़ी को कैसे लेके जाए और चित्रकूट को पूरा जो हमारा ट्रेडिशंस रिलीजियस सेंटर है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर है, हिस्टोरिकल सेंटर है, इसको हम कैसे ले जाए। गरीब तो आते हैं लेकिन गरीबों को सुविधा क्या दें, बाथरूम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं, अच्छे भजन सुनने का। हमने अयोध्या में एक भजन स्थल बनाया था जिससे कि भजन सुन सके, लोग वहां समय गुजारे, कुछ बैठ करके संस्कृत के हमारे अच्छे भजन सुने। हमने उसमें धनुष लगाया था, बीच में तीर था, जैसा आपने यहाँ रामायण मेला में देखा होगा टेंट में घुसते ही आपको धनुष रूप दिखाई देता है, तीर दिखाई देता है, हमने ऐसा ही धनुष तीर और बहुत सुंदर बनाया था भजन स्थल में अयोध्या में। लेकिन बीजेपी की सरकार देखो, वो धनुष भी गड़बड़ कर दिया, डिजाइन गड़बड़ कर दी, और जो तीर लगना था तीर हटाई दिया। फिर उसके बाद मुझे आज सुबह कामतगिरी के पूरे परिक्रमा करने का मौका मिला, बहुत सारे दुकानदार व्यापारी संत गुरु सबसे मिला मैं, और सबसे आशीर्वाद लिया मैंने कि समाजवादियों को कम से कम इतनी शक्ति मिले, लोगों के बीच में हम इतना जाएं, गरीबों की इतनी सेवा करें कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो। वहां बहुत सारे लोगों ने हमें यह बताया कि ये टीन शेड या जो सुंदरीकरण इस परिक्रमा का हुआ है वो नेताजी और आपके जमाने का है, इस सरकार ने तो छुआ ही नहीं है। इस सरकार ने क्यों नहीं छुआ ये तो हम नहीं जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उन व्यापारियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो हम भरोसा लाते हैं कि हम उनके, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसी पार्टी है, हर एक का नक्शा ढूंढ रही है कि नक्शा पास है कि नहीं है, इनका खुद नक्शा नहीं है, इनके पास खुद अपना नक्शा नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं जो गांव से आते होंगे या जिन घरों में आप रह रहे हैं, दादा ने बनाया, पिताजी रहे, पिताजी ने आपको दे दिया, आप रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, घर परिवार रह रहा है, नक्शा का पास हुआ हमने देखा नहीं। जितने घर बने सब बनाते माबादी में तो नक्शा नहीं पास होते, नक्शा इतने लोग डरा रहे लोगों को, तो हम तुम्हारे नक्शा मांग लेंगे, आइए पहले भैया नक्शा मांगेंगे आपका, कहाँ नक्शा, पहले नक्शे कहां बनते थे, आबादी के घर के कहां नक्शे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दुकान बनाए हैं उनकी भी तोड़ना चाहते हैं, पता नहीं कौन सा नया नक्शा लेकर के आए, इनका खुद का नक्शा नहीं है। मैं कहा बताऊं खड़ी आपका नक्शा कितने पास, पुराना है, घर तोड़ रहे हैं बुला दे रहे हैं, तो ये परंपरा राजनीति में ना हुआ, झूठ बोलने का क्या असर हुआ, चीजों को पेश करने का क्या हो गया, सबसे बड़े स्थान पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया, सबसे बड़े स्थान पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया, वो की चीज मानने को तैयार नहीं है। हमारे आपके पत्रकार साथी, हम आप कुछ लिख दें तो अकाउंट सील हो जाता है, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं,
देखो एक राष्ट्र जिम्मेदार वो है, अगर वो नफरत झूठ फैला रहे हैं, लोगों को खाई पैदा कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार नहीं कर रही? झूठ बोल रही है हर चीज में, झूठ नफरत फैलाना, और उससे क्या असर पड़ा? देखो लोकतंत्र कहां पहुंच गया, इसे लोग हमें आप सबको से भी जाना पड़ेगा। और मैं एक और भरोसा को इसमें एक बात मैंने और जोड़ दी, उन्होंने कहा कि कभी ने और उनके समाजवादी लोग थे, उन्होंने मिलकर के रामायण मेला शुरू किया था कि भगवान श्री राम की जो बातें हैं, जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ते थे, जंगल में रहकर के लोगों को जोड़ रहा, हर एक के बीच में दूरियां खत्म कर सबको, पुरुषोत्तम राम की शिक्षा देने का काम इन रामायण मिला रहे थे डॉक्टर मानोविया, उनका सपना पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चित्रकूट में भी रामायण मेला डॉक्टर राम मनोविया लगाते थे, उन्हीं के प्रयास नहीं खत्म था। और इसी तरह अयोध्या में हमारे जयशंकर पांडे जी जानते हो, वहां पर भी रामायण मेला का शुरू कराया था। तो यह परंपरा हम लड़ा हटा उत्क्या भी है, और बाद में अपना काम करते हैं जिस काम से वो जुड़े हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तय किया है, मैंने लखनऊ में भी कहा था, पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि जो लोग इन परंपराओं को हमारे समाज में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी कलाकारों को विशेष पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, चाहे वो किसी जाति धर्म के होंगे। अगर वो कलाकार थे, रामलीला करते थे, कलाकार हैं किसी रूप में, वो मन मंच पर रहते हैं, उनको वो पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। दोगुनी कर देंगे, बताइए, लाठी मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, लगा रहे हैं, हम समाजवादी लोग आंदोलन, समाजवादी लोग किसान नहीं, ये बात जाने बीजेपी के लोग, प्रशासन के लोग भी जाने, समाजवादी लोग किसान ने हर एक की बात खेती है, हम गए हैं समाजवादी लोग, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में कहा, हम भारतीय जनता हैं, आप क्यों बोला? अब आपको मौका दिया जनता ने, आप किसानों की आय दोगुनी वाली एमएसपी कब लागू करोगे? और हम अपने समाजवादी साथियों से कह रहे हैं, मंत्री उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले सकते हैं, जब मुख्यमंत्री वापस ले लिया हूं तो समाजवादी सरकार बनेगी, इन जितने भी कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगे उनको वापस ले लिया जाएगा। और कानून व्यवस्था की बात हम कहें, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पुलिस सावधानी बरते कि किस तरीके